नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आने वाली 22 तारीख को मतलब 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि सभी तिथियां यानी एकम से लगा के जितनी भी तिथियां हैं सभी तिथियों में घट बढ़ हो सकता है, यानी कम ज़्यादा हो सकता है, क्षय हो सकता है, लेकिन जो तृतीया तिथि है उसमें कभी कोई क्षय नहीं होता, कभी कोई घट बढ़ नहीं सकती, इसलिए इसको हम अक्षय बोलते हैं। इसका कभी क्षय नहीं होता, इस कारण से इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा है। ठीक है, तो इस कारण से अक्षय तृतीया का वैसे ही बहुत महत्व है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया पर 6 संयोग बन रहे, 6 ज्योतिषी संयोग बन रहे। ये 6 संयोग वो है जो ज्योतिष शास्त्र में या हमारे सनातन धर्म में इनका बहुत ही महत्व है। पहले हम जान लेते हैं कि वो 6 संयोग कौन कौन से हैं जो इस समय यानी कि आज के दिन जो तृतीया तिथि है उस दिन जो सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होता है, सूर्य अपनी मेष राशि में होता है और चंद्रमा अपनी वृषभ राशि में होता है, इस दिन पुष्कर योग बन रहा है, इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है, इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अमृत योग भी इसी दिन बन रहा है, रवि योग भी इस दिन बन रहा है। इन सारे योगों के बनने के कारण इस बार का जो अक्षय तृतीया है वो बहुत ही खास है, क्योंकि अक्षय तृतीया जो तिथि है उस तिथि की जो अधिष्ठात्री है, जो जिसका जो स्वामी है यानी जिसको हम बोलते इष्ट है, वो है माँ पार्वती, और माँ पार्वती के इष्ट होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप करना या शुभ कार्य कोई अगर करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, या कोई नया काम अगर शुरू करता है तो उसमें उनको जरूर सफलता मिलती है। मान लीजिए आपकी नौकरी में गड़बड़ चल रही है या आपका व्यापार रुक गया है या ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है और आप चाहते हैं कि कुछ नया किया जाए अपने जीवन में, इससे हटके जो आप काम कर रहे हो उससे हटके कुछ नया किया जाए या इसी काम को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू किया जाए, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इस दिन ये काम जरूर आपको स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा और आपने अक्सर अपने आजू बाजू देखा भी होगा कि अक्षय तृतीया के दिन लोग खरीदारी बहुत करते हैं, और खरीदारी किस चीज़ की करते हैं, सोना की करते हैं, चांदी की करते हैं, बर्तनों की करते हैं, आभूषणों की करते हैं, जो स्थायी संपत्ति है जैसे कि भूमि की खरीदारी का काम करते हैं, प्लाट खरीदना, फ्लैट खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना, इस प्रकार की जो खरीदारी है वो इस दिन लोग बहुत करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इतने सक्षम नहीं हैं और आप ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते, तो आप ऐसी क्या चीज़ें खरीदें जिससे कि आपका ये जो दिन है वो मंगलकारी हो और आपको भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर ये बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो मैंने इससे पहले बताई है, तो आप इन 5 चीज़ को खरीद कर भी आप अपने आप को धन्य कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वो 5 चीज़ कौन सी है? इस दिन आपको 11 माँ लक्ष्मी के यंत्र खरीदना चाहिए, 11 यंत्र माँ लक्ष्मी के खरीद कर इनकी विधिवत पूजा करके अपने घर में इसको स्थापित करना चाहिए। दूसरा है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को ऐसा माना जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख जो है वो माता लक्ष्मी के भाई है और भगवान विष्णु के वो साले हैं, और इस वजह से अगर आप इस दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। तीसरे नंबर पे एकाक्षी नारियल, ऐसा नारियल जो एक जिसमें एक आँख होती है उसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं, तो एकाक्षी नारियल अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो आपके घर में सदा के लिए या पूरे वर्ष के लिए जो धन संपत्ति है या पैसे की तंगी है इस प्रकार की सारी चीज़ें जो है वो इससे दूर होती है, यानी धन आता है और पैसे की जो तंगी है वो इससे दूर होती है। चौथा है पारद का शिवलिंग। अगर इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन अगर पारद के शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव का वास होता है और साथ ही कुबेर जी का जो स्थान है या कुबेर जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर बना रहता है। पांचवी चीज़ है स्फटिक का कछुआ। स्फटिक का कछुए को अगर आप इस दिन खरीद कर और अपने घर में अगर स्थापित करते हो, अपने घर में अगर लाते हो, तो आपके घर के सभी सदस्य निरोगी रहेंगे, कभी उनको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, अगर कोई रोगी होगा तो जल्दी से जल्दी वो रोग उसका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बड़ी चीज़ें नहीं खरीद सकते, आप सोना नहीं खरीद सकते, आप चांदी नहीं खरीद सकते, या फिर आप फ्लैट और गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, तो आप इन 5 चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।